हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो एक्सचेंज यूएसडी में मंडे की बात करते हैं कि क्या मूव्स आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप डे के चार्ट पे देखें तो एक अप ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक अप ट्रेंड नजर आएगा। और ड्रॉइंग्स अगर हम ऑन करते हैं, आप ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंड के काम कर रहा है। तो यहाँ से भी जो है अप ट्रेंड के जो सपोर्ट लेवल है उससे मार्केट अभी भी दूर है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। तो एक व्यू ये है कि डे के चार्ट पे यहाँ पे हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। और आवरली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी है हमें आवरली चार्ट पे एक अप ट्रेंड मूव देखने को मिल रहा है। और ये अप ट्रेंड जो है यहाँ पर ब्रेक होता नजर आ रहा है और इसके बाद मार्केट हमें थोड़ा नेगेटिव होती भी नजर आ रही है। लेकिन आवरली चार्ट पे भी हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो एक्सचेंज यूएसडी में थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं कि लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, कौन से लेवल्स हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे और कौन से लेवल्स हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो 2.936 ये हमारा सबसे पहले एक डिसीजन लेवल रहेगा सेल साइड के लिए। 2.966 हमारा बाई साइड का डिसीजन लेवल रहेगा। लोअर लेवल अगर ब्रेक होता है तो 2.898, 2.876, 2.860 ये हमारे सेल साइड के मूव्स रहेंगे। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे सकती है, तो इसलिए इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर ही रहिएगा। यहाँ तक आने के मार्केट की वेट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सेल साइड का व्यू रह सकता है। दूसरा आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आती है और आपको रिवर्सल कैंडल्स मिलती है, यानी कि जैसे डोजी और डोजी के बाद एक बुलिश कैंडल मिल जाता है, ठीक है, तो या फिर आपको हैमर कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकेंगे। तो एक मौका आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तब तो हमें यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करती है, सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करना शुरू करती है, तब भी हमें एक ट्रेड अच्छा मूवमेंट के साथ देखने को मिल सकता है। बाई साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर बाई साइड का मूव एक्टिवेट होता है तो 2.91, 3.015, 3.031 और 3.055 हमारे बाई साइड के टारगेट्स रहेंगे। इनको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। साथ में हम बात करते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स की। नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे हम शिफ्ट करेंगे और ओपन करेंगे हम जून का फ्यूचर। इसमें भी देखिए ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं एक बार और एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हुई, एक इमेजिनरी अप ट्रेंड। इस अप ट्रेंड को मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ के अराउंड तोड़ा है और मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है, तो और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो नेगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पहले भी सपोर्ट लेकर मार्केट ने एकदम से हाई जंप लिया था, तो ये सपोर्ट भी बन सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों चीजें पॉसिबल है, सपोर्ट भी स्ट्रांग है और मार्केट का नीचे की तरफ का सेल साइड का मोमेंटम भी बना हुआ है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट ले लेती है मार्केट तो हम बाई साइड का ट्रेड प्लान कर पाएंगे, और अगर मार्केट बिना किसी सपोर्ट लिए हुए मार्केट बस नीचे गिरना शुरू करती है तो हम सेल साइड के स्ट्रांग मूव्स कैरी कर सकते हैं। अब मार्किंग करेंगे अपने लेवल्स के लिए। यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि हमें हेल्प करेगी, गाइड करेगी ट्रेड प्लान करने में, और ये हमारा एक तरह का डिसिसिव लेवल भी रहेगा। इसके अलावा जो हमारे पुराने लेवल्स थे वो हमें इरेज करने होंगे। मैं कुछ दिनों से आपके लिए वीडियोज़ नहीं लेकर आ पाई हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी आई एम फीलिंग बेटर। सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग में अपना। हमें क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने, हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो मार्किंग करते हैं 242.5 अपसाइड के लिए डिसिसिव लेवल रहेगा, 241.3 सेल साइड के लिए डिसिसिव लेवल रहेगा, बाकी सारे लेवल्स को हम ग्रीन मार्क कर देंगे। अपर लेवल ब्रेक होते ही 246, 248.1, 249.7 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल ब्रेक होता है तो 237.6, 234.4, 232.8 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेगा, ओवरव्यू मैंने आपको बताया है, ध्यान में रखेगा। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है मार्केट तो हमें अच्छा मूव मिलेगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो भी हमें सेल साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, नेगेटिविटी मार्केट में बनी हुई है, लेकिन इस टाइम में मार्केट सपोर्ट पे भी है। सो आई गेस आपको ये लेवल्स क्लियर हैं, और अगर आप लेवल्स क्लियर हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।